चलिए आइए आज वापस से चार पांच मिनट में पांच मार्क्स आपको हमारी ओर से ये दो क्वेश्चंस ऑडिट के पेपर में बहुत बार आते हैं दीज टू टर्मिनोलॉजीज आर वेरी वेरी फेमस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड एक और शब्द हम लोग मिलकर पढ़ेंगे आज प्रोफेशनल जजमेंट मेन क्लास में हमने बहुत बड़े तरीके से डिटेल में किया था आइए तीन चार मिनट में इस दो छोटे टॉपिक्स को हम मिलकर पढ़ लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इट्स एन एटीट्यूड एक ऐसा एटीट्यूड जो ऑडिटर को अडॉप्ट करना चाहिए इट्स एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग बार बार क्वेश्चन करता है आप जब लिखते लिखेंगे हमारे डेटर्स इस साल बहुत बढ़ गए तो कई क्वेश्चन आपको करेगा कैसे अभी तो कोविड पीरियड था तो भी आपका सेल्स कैसे बढ़ रहा है आप जस्टिफाई करिए अरे हम मेडिसिन कंपनी है सर आप भूल गए हमारा तो चांदी चांदी था कोविड में भी अच्छा पर आपकी मेडिसिन कोई कोविड में तो हेल्प नहीं कर रही थी ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कि फ्लू से रिलेटेड है या कोल्ड से रिलेटेड है तब तो उसका डिमांड बढ़ गया हो तो आप क्वेश्चनिंग करिए आप अलर्ट रहिए कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेकर जिससे आपको एमएमएस इंडिकेट हो आपने देखा क्लाइंट क्या सेल्स वाउचर में कुछ वाउचर्स बीच में से गायब है कहीं पर ओवर है कहीं पर ऑथोराइज ऑफिसर का सिग्नेचर ही मैच नहीं कर रहा है सो वॉट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऑडिटर मस्ट हैव द फीलिंग ऑफ सस्पिशन मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में मार्क्स के लिए आपको चाहिए इट इज एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग ओके इट इज एन एटीट्यूड दैट वन शुड बी अलर्ट टू वर्ड कंडीशन विच रेजेस डाउट ऑफ एम एम एस ओके एंड जो एविडेंस मिलता है उसको क्रिटिकली असेस करिए ये सेम एग्जाम्पल हमने क्लास में भी पढ़ा था तो ये तीनों वर्ड्स वन टू थ्री बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए एन ऑडिटर मस्ट मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट सर मैं समझा नहीं बहुत बोरिंग लग रहा है एक चाचा भतीजा वाला एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा था कि आपका फोन हर दिन 10 बजे बंद आता है बिहार से आए हैं कलकत्ता पढ़ने के लिए चाचा जी जब ही फोन करते हैं 10 बजे आपका फोन बिजी आता है फिर आ जाएगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से बात कर रहे थे आ, 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 अमित सर से बात कर रहे थे अच्छा सॉल्व करते हैं क्वेरीज फोन पर आ, पूरा समझा देते हैं चाचा जी मेरे ही स्टूडेंट थे यस 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 आई हैव टॉट थ्री स्टूडेंट्स अभी भी है हमारे फाउंडेशन बैच में पढ़ता है एक बच्चा उसके पापा भी मेरे से पढ़ते थे 2003 में तो ऐसा भी होता है तो चाचा जी मेरे ही स्टूडेंट थे उन्होंने मेरे को कॉल कर लिया सर प्रणाम कैसे हैं आप मेरा भतीजा आपसे पढ़ता है मैंने बोला अच्छा बोलो मिला करे बात किया करे Sir, वो तो आपसे हर दिन करता है दस बजे मेरे से आज तक मिला ही नहीं तुम्हारा भतीजा ना बात किया है तो मॉरल ऑफ द स्टोरी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो मेरे पुराने एविडेंसेस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं तो मुझे क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है अवस्था को दिस इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आर यू अंडरस्टैंडिंग येस हमें रखना चाहिए सो इट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड नंबर टू

प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का फायदा क्या होता है इट हेल्प्स अस इन ऑडिट एविडेंस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और कुछ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन जो हम नजरअंदाज कर देते वो अब नजरअंदाज नहीं होगा तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमेशा रखना चाहिए से शुरुआत में एंड में थ्रू आउट दी ऑडिट द नेक्स्ट वर्ड व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट जैसे आप ड्राइविंग सड़क पर करते हो गाड़ी का जब 19 साल के थे तो पहले आपने 18 होने के बाद ट्रेनिंग स्कूल गए होंगे आपने गाड़ी की ट्रेनिंग पाई ट्रैफिक के नियम कानून को समझा बट हर चीज जो आप ट्रेनिंग में सीखते हो जो नॉलेज आपको अपटेन करना होता है एप्लीकेशन के समय सिनारियों के अनुसार चीजें बदल जाती है वो आपको बता रहे थे गाड़ी इस स्पीड पे चलाइए पर अब हाईवे पर जब हो तो आप उतने स्लो स्पीड पे नहीं चला सकते जो सिटी पे चलाओगे सर आप बोलना क्या चाहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस लैंग्वेज दिख रहा है आपको एंड योर ट्रेनिंग विद इन द कॉन्टेक्स ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज पर द सर्कमस्टांसिस तीन आस्पेक्ट आंसर में आने चाहिए सर्कमस्टांसेज ऑडिट पीरियड के दौरान जैसे फेस करते हैं तो अपने पढ़े लिखे आपने जो पढ़ा है ज्ञान अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नॉलेज का उसके कॉन्टेक्स में आप अप्लाई करते हैं अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को एग्जाम्पल कि आपके क्लाइंट क्या सैंपल क्या साइज होगा सैंपल साइज कम होगा बढ़ेगा कम करना चाहिए बढ़ाना चाहिए ये डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशनल जजमेंट और ये जजमेंट आपका अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन नहीं है दिस जजमेंट इज टेकन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्सिंग जब आप स्टैंडर्ड्सिंग पढ़ोगे ऐसे फाइव होता है सैंपलिंग का उसमें आप देखोगे कि किस तरह सिनारी चेंज हो जाते हैं किस तरह आपको ऐसे फाइव में बताया जाता है वेन सैंपल साइज विलीज जजमेंट जो भी किए जाते हैं दिस इज नॉट इज डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्सिंग सेट करना है कौन से ऑडिट प्रोसीडर्स लेनेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड यह सब प्रोफेशनल जजमेंट पर है तो आंसर में याद रखेगा स्टूडेंट्स के आंसर में एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ट्रेनिंग एक्सपीरियंस